हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिंपल तरीके से कटोरी वाला ब्लाउज बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए लंबाई लेना है 13.5 प्लस 1 इंच, ये हो गई 14.5 इंच। अब शोल्डर 6 इंच, बगल 6 इंच और आर होल 1.5। तो ये हो गया हमारा बैक साइड पार्ट, ये हो गया हमारा बैक साइड पार्ट। अब मैं आस्तीन काटूंगी। आस्तीन के लिए लंबाई है 4.5 प्लस 1 इंच यानी 5.5, ये 3। और घड़ी है हमारी 8.5 की, ये 2.5 लेना है हमें अंदर में। और ये गोलाई है हमारी 6.5, और इसको मिला देना है। और अब मैं ये काटूंगी। ये हो गई हमारे आस्तीन। जो मैंने पीछे का भाग जो काटा था उसी पे सामने का आर्महोल साइड पार्ट मैं नाप रखूंगी इसी पे। और ये हो गया 2.5, ये गला है हमारा। और यहाँ से जो हमने आर्महोल काटा था उसी के अंदर से 2.5 लेना है। और ये -2, ये 6.5 आगे लेना है और इसको मिला देना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल साइड पार्ट। तो यही नाप हम कपड़े पे डालेंगे, देखना। ये इस तरीके से हम ऐसा कपड़ा रखेंगे और इसी पे वही वाला नाप हम ऐसे रखेंगे, तो हमारा ये बराबर आर्म होल साइड पार्ट आ जाएगा, देखना। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा आर्म होल साइड पार्ट आ जाता है। इससे फिटिंग बहुत अच्छे से बैठती है, देखना। आप इस तरीके से ब्लाउज काट के देखना, इसमें सिलाई खुलने का भी टेंशन नहीं रहता है और मार्जिंग भी बहुत अच्छे तरीके से छूट जाती है। कभी कभी ब्लाउज ज़्यादातर यही से हमारा जाता है, इसीलिए नाप सही है। अब हम कटोरी काटेंगे। कटोरी का है हमारी 6.5 है हमारी, तो हमको 2 इंच बढ़ा के लेना है। हमेशा कटोरी 2 इंच बढ़ा के लेना है। तो ये हो गया हमारा 6.5 की है, तो 8.5 का हो गया। 4.25 हमारा मध्य बिंदु है, वहाँ से 1.5 नीचे जाना है। और ये ऊपर हमको 6 लेना है, यहाँ से 5 लेना है और 2 में मिला देना है। और ये गला के लिए 2 अंदर है, ऊपर 1, और इसको उनको मिला देना है। तो ये हो गई हमारी कटोरी ऐसा, इस तरीके से। कटोरी हमेशा तिरछे कपड़े में काटना चाहिए, हमेशा तिरछे कपड़े में कटोरी काटेंगे तो कटोरी का साइज़ बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब ये हमारी तीरा पट्टी 10 साढ़े 10 जैसा हमारा नाप है वैसा लेंगे, और सामने 3.5 का नाप लेंगे और ये 3 का लेंगे। और अब हम कपड़े पे रख के वही काटा वाला रास्ता हम रख के काट लेंगे। इसको जैसे कि वैसे ही काटना है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लेके कपड़ा लेके काटना है, जैसा है वैसे ही काटना है।